खूंखार जानवरों के बीच 3 दिन जंगल में रही 1 साल की बच्ची ऐसे बची जान। 1 साल की एक बच्ची अपने माता पिता के साथ पार्क में खेल रही थी और अचानक वहीं से खेलते खेलते कहीं गुम हो गई। इसके बाद उसे बहुत ढूंढा गया और वो नहीं मिली। उसके माता पिता ने पार्क के चारों ओर खूब खोजा, पास के जंगल में भी छानबीन करवाई, लेकिन कभी भी उसका पता नहीं चल पाया। आखिर वो 3 बात बगल के एक जंगल में मिली। हैरानी की बात यह है कि 3 दिन वो जंगल में खतरनाक जानवरों के बीच रही। अब आप इस इंसिडेंट के बारे में क्या कहेंगे, हमें कमेंट में बताएं। रिपोर्ट के मुताबिक बच्ची जिस जंगल में खोई थी वह जंगली भालुओं और भेड़ियों का अड्डा था। 3 दिन तक उस बच्ची का कोई पता नहीं चल पाया। कई लोग उसे ढूंढते रहे। जब वो नहीं मिली तो लोगों ने मान लिया था कि उसे कोई जंगली जानवर खा गया होगा। लेकिन आखिरकार 3 दिन बाद घर से कुछ किलोमीटर दूरी पर घने जंगल के अंदर जाकर बच्ची मिली। बच्ची के चिल्लाने की आवाज लोगों ने सुनी, तब टीम ने उस ओर सर्च करना शुरू किया। इसके बाद वो बच्ची एक पेड़ के पास मिली। वो पेड़ के पास खड़े होकर जोर जोर से चिल्ला रही थी। रिपोर्टर के मुताबिक बच्ची को तमाम कीड़ों ने काटा था और वो बेहद कमजोर हो चुकी थी। ये बड़े ही आश्चर्य की बात है कि उस जंगल में बहुत सारे खतरनाक जंगली जानवर थे। वो कहते हैं ना, जाको राखे साइया, मार सके ना कोई। आप भी मेरी इस बात से एग्री करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, इसे फेसबुक और व्हाट्सएप पर ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हाँ, हमारे इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।